बच्चों को, और 5 बजे ये हादसा हो गया, तो ऐसा नहीं लगता। और कोई मोटिव भी नहीं है। फैमिली कौन कहाँ की है, क्या करते हैं? फैमिली नेपाल की है ये, और यहाँ पर ये चौकीदार है। चौकीदार है घरों में ये? हाँ, यहाँ पे ये जिस घर में मिले हैं ये क्या है, ये फैक्ट्री है कोई, ये किसी घर है? यहीं पर लोकल हैं, उनका यहाँ पे काम होता है लकड़ी वगैरह का। तो उस वक्त कोई मौजूद नहीं था जब बच्चे यहाँ पे थे, और यहाँ पे कोई निशानी ऐसे तो ऊपर है असल में, जब जहाँ वो हुआ ना तो ऊपर है संदूक जो मिला है। अच्छा, तो वो जब अंदर घुसे होंगे तो उस वक्त नहीं कोई रहा होगा, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते इसमें, वो माँ बाप ही रहते हैं। और ओखला में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिचुएशन इस वक्त खराब होती जा रही है, आपका इस पर क्या कहना है? पुलिस प्रशासन की तरफ से आप इंक्रोचमेंट ड्राइव भी जा रहे हैं, इंक्रोचमेंट लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि आए दिन इस तरीके की आदत, कभी गोली चलती है, कभी चाकू चलते हैं, यहाँ पर इस तरीके की वारदात होती रहती है। देखिए, हम लोग मुस्तकिल संपर्क में हैं पुलिस से, कोशिश कर रहे हैं, RWA भी हम लोग बना रहे हैं पूरे इलाके में, तमाम जिम्मेदार लोगों को जोड़ रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही है, हम लोग अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं क्या लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरह से काबू में किया जाए और इलाके के माहौल को जैसा था अच्छे बेहतर से बेहतर। DCP या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना है? सारे लोग यहाँ मौजूद हैं सर, जैसे उनके जैसे हमारा कहना है उनका भी मानना है, वो अभी तो जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए, सारी चीज़ें ना आए, तो कोई कहा नहीं जा सकता। किसी का कोई मोटिव तो नहीं लगता है, चले जाओ ठीक है। हादसा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो ऊपर चढ़े और लकड़ी का बड़ा संदूक था, अब उसमें वो घुसे होंगे और वो बंद हो गया, और फिर वो ऑटोमेटिकली कुंडी जिसकी लग गई, एकदम घुटने जो लग रहा है उसमें कि एकदम घुटने की वजह से मौत हुई होगी। उसके बाद तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए, सारी सामने ना आए, क्राइम रिपोर्ट अंदर है, क्राइम टीम अंदर है, वो अपना सरपंच पता कर रही है। वो बक्सा ऊपर है, लकड़ी का बक्सा है, बड़ा बक्सा है, काफ़ी भारी है, तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वो ऊपर चढ़े होंगे और वो खेल रहे होंगे या कबूतर वगैरह कुछ पकड़ने के लिए गए होंगे, वो बक्से में बंद हो गए, बक्से का ढक्कन ऊपर से बंद हो गया दम घुटने की वजह से, लगता है कि ये मौत हुई है। तो किसी किस्म का कोई मोटिव नज़र नहीं आता, कोई दुश्मन नहीं है, कौन होगा बेचारे का? उसके 6 बच्चे हैं, 5 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, तो 1 बेटा जो था वो चला गया और 1 बेटी चली गई, इस तरह का है। क्राइम टीम यहाँ मौजूद है, DCP हैं, एडिशनल DCP हैं, तो सारे लोग हैं, SHO वगैरह, जब तक वो सैंपल्स वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब तक नहीं आती, पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ। कितने बजे सर ये जानकारी मिली? कि 3 बजे उसने देखा था, उसके बाद 5 बजे का ये हादसा है, 5 बजे तकरीबन 5 बजे का लगना। सर ये भी बताया जा रहा है कि शायद माँ बाप बच्चों को ढूंढ भी रहे थे, मस्जिद से ऐलान भी करवाया था, कोई मिसिंग भी क्या पुलिस में? माँ बाप ढूंढ रहे थे, जब ढूंढे ऊपर वो चढ़े तब उन्हें मिले, वो उसने तलाश किया, माँ ने ही शायद तलाश किया है उसके ऊपर, और फैमिली वाले ही ढूंढ रहे थे, उन्होंने तलाश किया ऊपर, जब चढ़कर देखा तब पता लगा। फैमिली के बारे में क्या जानकारी? फैमिली नेपाल का रहने वाले हैं ये लोग, और यहाँ पर ये चौकीदार हैं, इनके यहाँ चौकीदारी करते हैं। 5-4 से 5 साल है, 1 की शायद 6 साल। थैंक यू।